ओके जी, तो जजेस से पूछते हैं हाउ डू दे फेल्ट अबाउट इट। अच्छा, एक तो बात यह है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत घबराई हुई आप, उसकी वजह से आपकी काफ़ी जगहों पे गलतियाँ हुई हैं, स्टार्टिंग में भी हुई, फिर जो हाई नोट है इसका वो भी आपने प्रॉपर नहीं लगाया दोनों अंतरों में, तो या तो आप थोड़ा सा इसको आधा सुर नीचे गिरा लेती तो शायद बेहतर होता। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आपने 100% अपना नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं अभी, इस वजह से हुआ है, वरना आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे बेहतर गा सकती हैं ये गाना, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। लेकिन ये कॉम्पिटिशन है तो इसमें एक ही चांस मिलेगा आपको, तो मुझे ठीक लगी आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी, थैंक यू, पावरफुल आवाज़ है। नहीं, नो डाउट आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप खुद पहली दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे इसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली घबराहट तो सारी आपकी थ्रू आउट पहले नोट से लेके आखिरी नोट तक काफ़ी ऑब्वियस थी, बट नॉनदलेस इट वाज अ गुड एफर्ट। एंड मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम इस एक और चीज़ में भी नज़र आ रहा था, हमने पहले एक दो एपिसोड में ये गाना, तीसरे एपिसोड में मेरे ख्याल से एक और कंटेस्टेंट ने आके परफॉर्म किया था, तो वो भी सुन रखा था हमने, और चूंकि इसकी मेलोडी इतनी स्ट्रांग है एंड दिस इज़ नॉट एन ईजी सॉन्ग टू अटेम्प्ट एज अ वोकलिस्ट, यू हैव टू हैव कमांड ओवर योर वोकल्स टू अटेम्प्ट सच अ डिफ़िकल्ट सॉन्ग, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स हैं गाने में, तो अनटिल एंड अनलेस यू नो दैट यू आर यू कैन डू इट देन डू इट, अदरवाइज कोई ऐसा गाना चूज़ करें जो आप आराम से गा लें, क्योंकि आप को कंफर्ट जोन ढूंढना है अपना स्टेज के ऊपर जब आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई होप दैट यू कैन वर्क ऑन योर फ्लॉज वट एवर दे आर एंड इन द फ्यूचर डू अ गुड जॉब। और थोड़ा सा मुझे बैंड का जो इसके अंदर पीछे जो म्यूज़िक बज रहा था ना उसके अंदर वो मज़ा नहीं आया जो इन्होंने पहले जिस तरह से बजाया था, वो एनर्जी नहीं आई है, बहुत अच्छा बैंड है बट आज मुझे इस गाने के पीछे जो बैकअप सपोर्ट थी उसमें मुझे कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी। थैंक यू सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, एंड यू कैन गो प्लेसेस, बस ये कि थोड़ी थोड़ी सी आपकी सुर से आप हट रही थी, मेरे हिसाब से आपने पूरा एक सुर ऊपर गा रही हैं ये ट्रैक, इसलिए कि ये आप गा सकती हैं नीचे और ज़्यादा अच्छा गाती हैं, तो मैं इतनी सी बात करूँगा, अदरवाइज इट वॉज अ वेरी ब्रेव एफर्ट टू सिंग दिस सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, कमेंट्स के साथ अब आप तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द रिजल्ट। अब बारी है ब्रेक की, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे अजमे अली शान की कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हमेशा इन्फो शेयर करती हूँ, और आज मैं आपको बताऊँगी कि T20 क्रिकेट कब अंडर अजमे अली शान प्लेटफॉर्म लाहौर के अंदर मुनक्किद किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज़ एन अमेजिंग एफर्ट बाई अजमे अली शान एंड बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने हमारा साथ दिया। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए www.azmealishan.com पर। मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। सच्ची राह पर कारवां हो, मंजिल कहकशां हो, दिस इज अमरीन खान और आप है हमारे साथ अजमे अली शान नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन सीजन 2 में। दो पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और दे सैंग वेरी वेल। अब देखते हैं कि हमारे तीसरे कंटेस्टेंट्स कैसा गाना गाते हैं, और इनको मैं दावत दूंगी। वो हमारे साथ कराची से हैं, और वही मैंने जो कहा था कि वो अचानक से अचानक बन गए हैं, और अचानक बैंड हमारे साथ होगा जिनमें से अली राव, इनको मैं दावत देती हूँ प्लीज अली आइए, पुट योर हैंड्स टुगेदर। थैंक यू। अब अपने बैंड मेंबर्स को बुलाओ, योर रिस्पांसिबिलिटी। शुएब एंड मोहसिन, शुएब एंड मोहसिन, पुट योर हैंड्स टुगेदर। पिंक पैंथर, देयर ही इज, अस्सलाम वालेकुम। तो कौन सा गाना गाने जा रहे हैं आप लोग?
आज हम लोग स्ट्रिंग्स का ख्वाब गाने जा रहे हैं. ओके सो ये गाना क्यों पसंद किया? स्ट्रिंग्स ये शुएब ने पसंद किया था कि उन्हीं दिनों तो मैं वहीं पे था लाहौर में, और शुएब ने मुझे कहा कि गाना करना है और उसको दे दो यार वो सारी जिम्मेदारी. थोड़ा सा डिफरेंट भी था सब, मतलब सारे लोग जो थे वो मतलब थोड़े से ओल्ड भी थे. मतलब ये असल में सॉन्ग ऐसा था, ये रॉक एंड रोल हम लोग इसको कर सकते थे, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से मैंने ये सेलेक्ट किया था सॉन्ग कि हम लोग इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, जो हम लोग कर सकते हैं थोड़ी कोशिश हमने करी है कि इसको हम थोड़ा रॉक एंड रोल करें. चलें ठीक है, वैसे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा गाएंगे, लेकिन अगर गाना खराब हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोएब की है क्योंकि ही चूज द सॉन्ग. आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड ओवर टू द जज. ख्वाब को हम सजाएं, सच्चे वादों का दिया जलाएं, दिल में एक ख्वाब को हम सजाएं, सच्चे वादों का दिया जलाएं, सच्ची राह पर जी.